पाता। बीपीएससी की स्थिति लेत लतीफ़ा किसी से छुपा नहीं है। कितने हमारे नौजवानों को कष्ट उठाना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, 4 साल 5 साल कुछ होता भी है तो उसमें भी धांधली होता है। तो पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी ने, मौजूदा डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिखा है। और यही कारण है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर एक सूचकांक में फिसड्डी रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या कोई भी मामला। यही डबल इंजन की सरकार कहती रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। इसलिए हम सभी लोगों से ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो चीज़ें हम लोगों ने आपके सामने शुरुआत में हमने जो रखा, जो हमारा विजन है, जो संकल्प रहा, प्रणपत्र रहा, उसको हम लोग समय रहते उसको हम लोग पूरा करेंगे और ये सच होने जा रहा है। इसलिए हम बिहार की जनता से ये अपील करेंगे कि जो विकल्प आप लोगों के सामने हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है उसको आप लोग चुनने का काम करें। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। जो भी दोषी होगा उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को, साजिशकर्ता को हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते क्योंकि सारी बातें लगभग हम लोगों ने हर जगह पे, समय समय पे हम लोगों ने करने का काम किया है। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया और हमारे जितने प्रेस बंधु हैं, जितने भी उपस्थित लोग हैं, उन सभी लोगों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन आपको एक बात कह कर के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि कुछ लोगों को अपनी व्यक्तिगत रूप से चिंता है कि उनको किसी तरीके से 5 साल मिल जाए। उनको बिहार की 12 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है। कुछ लोग अपना 5 साल देखना चाहते हैं, बिहार का 5 साल नहीं देखना चाहते। तो उम्मीद करेंगे कि बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप लोग ऐसी सरकार चुनने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जिसमें बिहार का हित हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, एक आदमी की बात ना हो, 12 करोड़ बिहार की जनता की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, तमाम मंचस्थ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आप सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी साथियों का धन्यवाद। आपके माध्यम से ये इस संवाद के आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बिना किसी अफवाह के, तमाम साथी जो जुड़े हैं, बिना किसी अफवाह के को सुने कान धरे, हमें वो तय करना है कि जो 2 चरणों की परंपरा रही है उसे आगे बढ़ाना है, उभार को बढ़ाना है, और ये तय करना है कि विकास, नौकरी, संविदा कर्मी का की बेहतरी के लिए आवश्यक है कि शांति, सौहार्द और भाईचारे का माहौल हो। जय बिहार, जय हिंद।